गोल टोपी वालों के जो आता है क्यों ना इनके बारे में 53 इयर्स एक कुत्ते के बारे में उस आगे बारे में तो हैरान మనం చూస్తున్నాము రాత్రి వివాదాస్పదమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు గాను नुकुल शर्मा, नवीन जिंदाल और अरुण यादव के बाद अब तेलंगाना बीजेपी के एमएलए टी राजा सिंह ने भी पैगंबर मोहम्मद को लेकर काफी विवादित बयान दिए हैं। मगर टी राजा सिंह ने कभी ये नहीं सोचा था कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर उनका विवादित बयान देना कितना महंगा पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही टी राजा सिंह ने, जो कि एमएलए है तेलंगाना में बीजेपी से, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित बयान दिया, उसके कुछ ही देर बाद टी राजा सिंह को बीजेपी ने अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। उसके बाद तेलंगाना पुलिस ने भी टी राजा सिंह को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। देखिए इस वीडियो को। వివాదాస్పదమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు గాను ఆయన చలో 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 సైడ్ దో సైడ్ 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 చలో దర్రా సైడ్ అంకటన। तो देखा आपने कि कैसे टी राजा सिंह को तेलंगाना पुलिस ने पैगंबर मोहम्मद के ऊपर लगाए अभद्र शब्द की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। हम आपको बताए चलते हैं कि आखिर ये सारा माजरा क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा दोस्तों। पूरे मामले की शुरुआत स्टैंड अप कॉमेडियन और लॉकअप शो के विनर मुनव्वर फारूकी से होती है, जिन पर पिछले कई सालों से बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल के लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने एक अपने कॉमेडी शो के दौरान हिंदू देवी देवता राम और सीता का मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से मुनव्वर फारूकी की शो को भी हमेशा बॉलीवुड की मूवी की तरह बॉयकॉट किया जाता है। ये कुछ 19 अगस्त की बात है जब मुनव्वर फारूकी का शो हैदराबाद में होने थे। शो के ठीक एक दिन पहले तेलंगाना बीजेपी के एमएलए टी राजा सिंह ने एक वीडियो के जरिए धमकी दी थी कि अगर मुनव्वर फारूकी का शो हैदराबाद में होता है तो वो शो को आग लगा देंगे। जिसके बाद शो के एक दिन पहले टी राजा सिंह को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, डिटेन कर लिया उनके घर में। फारूकी का शो आराम और शांति के साथ हैदराबाद में हुआ, मगर उसके ठीक कुछ दिन बाद टी राजा सिंह ने कॉमेडी के नाम पर एक वीडियो जारी की, जहां टी राजा सिंह ने ना कि सिर्फ मुनव्वर फारूकी को टारगेट किया बल्कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में भी कई सारे अनाप शनाप शब्द कहे। देखिए वीडियो को। और ये गोल टोपी वालों के जो आता है क्यों ना मैं इनके बारे में सर्च करूं, तो जैसा मैंने मेरा फोन निकाला और मारा इनके आका के बारे में, तो हैरान करने वाला जबरदस्त वीडियो मिला मेरे को, हैरान करने वाला। और बुरके वाला मोहल्ला चैनल का नाम, तो जैसा ही मैंने उस वीडियो को क्लिक किया तो 53 इयर्स एक बुड्ढे के बारे में उस वीडियो में पूरा इतिहास लिखा हुआ है। मैं बोला अरे 53 इयर्स के बारे में एक बुड्ढे के बारे में कुछ दिख रहा है इसमें, चलो जरा देखेंगे। बोल के जब वीडियो देखना मैंने प्रारंभ किया तो उस वीडियो में 53 इयर्स का बूढ़ा एक 6 साल की लड़की से शादी करता है, निकाह करता है। अरे ये तो बहुत गलत बात है, एक 53 इयर्स का बूढ़ा और 6 साल की लड़की से शादी करता है। कितने साल की लड़की? 6 साल। कितनी दुर्भाग्य की बात है यार, एक 6 साल की लड़की से निकाह करना। और सबसे बुरी बात, वो 6 साल की लड़की से निकाह करने के बाद में 7 साल 8 साल 9 साल यानी 3 साल उस बूढ़े ने उस लड़की को बड़ा होने दिया। जैसा ही वो लड़की 9 साल की हुई,
इसके अलावा भी वीडियो में टी राजा सिंह ने बहुत सारे अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया है, मगर माफ कीजिएगा दोस्तों, हम पूरी वीडियो दिखा नहीं सकते। राजा सिंह से पहले इस तरह की विवादित बयान बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने भी दिया था, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में कितना बवाल मचा था ये हम और आप देख चुके हैं। और उसके बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा को अपनी पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। अब दोबारा टी राजा सिंह ने इस तरह की विवादित बयान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ दी है और काफी सारे अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से तेलंगाना पुलिस ने दोबारा टी राजा सिंह को अपनी गिरफ्त में ले लिया और बीजेपी पार्टी ने टी राजा सिंह को अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया। शुक्रिया, आप देख रहे थे द न्यूज़ शिफ्ट।